हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं जाने वाली हूँ यज्ञ में, जहाँ होने वाला है राम और सीता जी का विवाह समारोह, और उनका विवाह भी होने वाला है। तो मैं कैसे कैसे तैयारी करती हूँ, चलिए स्टार्ट करती वीडियो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो फेस वॉश करूँगी, अपना गार्नियर का फेस वॉश मैं लगाती हूँ, और मैं तैयारी कर रही हूँ जाने के लिए यज्ञ में। और वहाँ पे मैं फेरी नहीं देती हूँ, क्योंकि राम विवाह का जो समारोह था वो 12-1 बजे से होता है। मतलब हम लोग एक टाइम रखे थे कि 12 बजे जाएंगे, पर वहाँ पर स्टार्ट हुआ था 1 बजे के लगभग में। तो हम लोग गए थे, बहुत कोई गए थे, अगल बगल से भाभी लोग भी गई थी, और मेरे घर से भी भाभी मामी सब कोई गए थे। और किसी दिन जाए या ना जाए, लेकिन राम विवाह के दिन ज़रूर जाना चाहिए सबको। भगवान जी का भजन कीर्तन हो रहा था, और राम सीता जी का विवाह समारोह भी हो रहा था। वहाँ पे सिंदूर मिलता है, प्रसाद मिलता है सभी के लिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, महिलाओं का सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है, भारी संख्या में। और मैं हर साल जाती हूँ, हर साल होता है यहाँ पर यज्ञ, और मैं कभी जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन मैं राम विवाह के दिन ज़रूर जाती हूँ। तो मैं तैयारी कर रही हूँ, अभी मैं लगाने वाली हूँ अपना मीवॉन का कॉम्पैक्ट पाउडर ऑयल फ्री, और मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं सबसे पहले मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ड्रेस वियर करूँगी। और मैंने रेड कलर का साड़ी पहना था, क्योंकि मंदिर में जाना या फिर पूजा पाठ करना है तो साड़ी ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं साड़ी वियर करके जाऊँगी। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ, उसके बाद फिर मैं वहाँ का दर्शन भी कराऊँगी भगवान जी का। वहाँ पे मूर्ति भी, मतलब वहाँ मंदिर भी है और अलग से मूर्ति का स्थापना भी हुआ है, और वहीं पे फेरी होता है। बट मैंने फेरी नहीं दिया था, क्योंकि हम लोग सबको 12 बजे गए थे, तो 12 बजे तक मैं भूखे नहीं रह पाई, तो मैं खा करके गई थी। मैं बस समारोह देखने गई थी, क्योंकि मुझे भजन कीर्तन करना सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं डेली पूजा भी करती हूँ, और आज मैं यहाँ पे मैट मी का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, न्यूड सेड है ये। और फिर मैं आज दो दो लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, थोड़ा इफ़ेक्ट दूसरा आएगा मेरे लिपस्टिक का। आप दो लिपस्टिक से एक लिपस्टिक बना सकते हो, और वही आज मैं करने वाली हूँ। अभी मैं न्यूड लिपस्टिक लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी इसमें इंस्टा बड्डी सेड है, लिपस्टिक का सेड है, और माई ग्लैम का लिपस्टिक ये जो मैं अभी लगा रही हूँ, ये थोड़ा सा डार्क है, इससे जो कलर उभर के आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद मैं अपना लिप ग्लोस लगाऊंगी, तो इससे कलर बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि रेड साड़ी के साथ हमेशा रेड रेड लिपस्टिक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि डेली रेड लिपस्टिक लगाना। तो यहाँ पे मेरा जो कलर उभर करके आया, आप देख सकते हैं न्यूड है, मतलब ज़्यादा डार्क भी नहीं लग रहा और लाइट भी नहीं लग रहा है मेरा लिपस्टिक, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था अपना लिपस्टिक का कलर, मैंने खुद ही बनाया था। और ये ड्रेस आज मैं वियर करके जाने वाली हूँ, रेड कलर की साड़ी। मैं तो बचपन से गई हूँ, राम विवाह जब भी होता था तो जाते थे, और तैयारी में हूँ मैं, और मैं जूड़ा भी कर ले रही हूँ, लेकिन मैं जूड़ा करके नहीं जाती, मैं हल्का क्लचर लगा लेती हूँ बालों में, क्योंकि वहाँ ना बहुत धूप और गर्मी भी लगता है, भीड़ के कारण गर्मी लगता है। मेरा सिंपल सा लुक आप लोग देख सकते हैं,
मैं ईयरिंग्स ये सब कुछ भी वेयर नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करती हूँ। और आज मैं अपनी हैवी वाली पायल पहन ले रही हूँ, मुझे पसंद है। और मैंने नेल पेंट रिमूव कर दिया था 2 दिन पहले ही, और मैं गोल्डन कलर का नेल पेंट अप्लाई करने वाली हूँ। मैं जल्दी जल्दी में हूँ, मेरा तो नेल पेंट भी नहीं सूखता है। और मैं मुझे जूती भी पहन करके जाना था, और मैं विदाउट नेल पेंट थी, तो हड़बड़ में मैंने नेल पेंट भी लगाया, जूती भी पहना, और मैं गई और मेरा नेल पेंट भी ख़राब हो गया। ये मैं जो नेल पेंट अप्लाई करी, ये ब्लू हेवन का नेल पेंट 30 रुपीज़ में मिलता है, और मुझे ब्लू हेवन का नेल पेंट बहुत अच्छा लगता है। और भी एलेटीन ये सब जो नेल पेंट आता है 50 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ का, 90 रुपीज़ का, ये सब सिर्फ कहने को महंगा रहता है, बट अच्छा उसका कलर नहीं आता, लगाने पे बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है वो, जल्दी छूट जाता है। मेरा नेल पेंट भी सूख ही गया है, और मुझे दूसरा ख़रीदना पड़ेगा गोल्डन कलर का, मुझे पता भी नहीं चला सूख गया है। आज मैं ना ही रेड कलर का लिपस्टिक लगाई हूँ, ना ही रेड कलर का नेल पेंट। मैं सोच रही थी रेड कलर का नेल पेंट भी लगा लूँ, लेकिन फिर सोचा नहीं, हमेशा रेड रेड अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हटके करना चाहिए, है ना। तो आज हम लोग सब कुछ जाएंगे वहाँ, और मैं वहाँ से कुछ कुछ ख़रीदारी भी करती हूँ। मैंने वहाँ से चूड़ी ख़रीदा, सिंदूर ख़रीदा, और बिंदिया ख़रीदा, और खाने के लिए मैंने वहाँ से मुरब्बा ख़रीदा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो घर पे नहा धोवा के पूजा करके फिर खा ली थी, उसके बाद फिर मैं रेडी होकर के जा रही हूँ राम जी का विवाह देखने के लिए। हर साल जाती हूँ, हर साल की तरह इस बार भी, पर इस बार मैं शादी के बाद पहली बार जा रही हूँ यज्ञ में, नहीं तो मैं ऐसे गई नहीं हूँ। और आज का बिल्कुल मेरा सिंपल सा लुक है जो मैंने क्रिएट किया है, और लगाना छुड़ाना बड़ा दिक्कत का काम है। और फ्रेंड्स, मैंने अपना छोटा छोटा बिछिया पहना हुआ है, मैं बड़ा बिछिया नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि मेरा उंगली में ना बहुत दर्द हो रहा है, और निशान भी बन गया बिछिया का, सारा उंगली में निशान हो गया काला काला, तो अभी मैं नहीं पहन रही हूँ बड़ा वाला बिछिया, छोटा छोटा पहनी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा, मैं वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगी आप सभी को। वहाँ पे श्री राम जी सीता माँ का मंदिर है, प्लस में स्थापित भी किया गया है मूर्ति बहुत सारे भगवान का, वहीं पे फेरी होता है, यज्ञ होता है, भजन कीर्तन होता है, और रात में भी होता है, प्रवचन होता है, लेकिन मैं कभी नहीं गई हूँ। मैं पहले जाती थी, जब मैं बच्ची थी ना तब जाती थी प्रवचन सुनने, पर अभी नहीं जाती हूँ। मैं अपने हाथों में नेल पेंट नहीं लगा रही हूँ, बस मैं पैरों में लगाई हूँ, मेरा लग गया, अब ये सूखेगा तो फिर मैं निकलूँगी जाने के लिए। क्योंकि 11:45 हो गया था निकलते निकलते करते करते, यहाँ पे थोड़ा धूप आ रहा था तो मैंने सोचा सूख जाएगा नेल पेंट, मैं जूती पहन ली जाने के लिए। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। मेरे वीडियो पे यदि नए होंगे फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भगवान का आशीर्वाद आप सभी से भी बना रहे। चलिए मेरे साथ दर्शन करने भगवान जी का।
कुमार दुबे, कृषि राकेश पांडे, गंगवा 501 की 251 मंदिर का स्थापना पर बड़का का कृपा नाम के प्रकाश तिवारी राजा के सवेर में आई है उल्लू कर पूजा। हाँ संतोष कुमार 1251 सरस ले लो सही बात बोल मैं तो दर्शन करके भजन कीर्तन करके सुन के आ गई हूँ। आप सभी को कैसा लगा मेरा वीडियो देख करके प्लीज़ कमेंट करिएगा। और मैं अभी जस्ट आई थी और अपना मैं जुत्ती खोल रही हूँ क्योंकि मेरा पैर ना इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और बैठे बैठे पैर ही सबसे ज़्यादा दर्द कर रहा था, बाकी तो भजन करने मेरा पूरा ध्यान भजन करने पर ही था। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।